मंदसौर वार्ड क्रमांक 26 स्थित विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा का फिर होने लगा शरण, जिम्मेदार बेखबर। मंदसौर में विराजित विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा के दर्शन के लिए रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा भोले के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा अष्टमुखी यानी आठ मुखी है। बाबा पशुपतिनाथ की आठ मुखी प्रतिमा में से भगवान के पांच मुख पर निशान पड़ने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक पहले भी प्रतिमा के कई हिस्सों पर वज्रलेप लगाकर सुधार किया गया था, वहीं अब फिर से यही हालात बनने लगे हैं। करीब 1200 साल पुरानी मानी जाने वाली अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की 7.5 फीट ऊंची प्रतिमा चमकदार चिकने और गहरे ताम्रवर्ण आग्नेय पत्थर से बनी है। बाबा पशुपतिनाथ की इस विशाल और भव्य प्रतिमा के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्तियाँ आते हैं। हाल ही में देखा गया कि भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति के आठ में से पांच मुख पर मस्तक, नेत्र, नाक और चेहरे पर स्थायी निशान पड़ने लगे हैं। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से भगवान पशुपतिनाथ के चेहरे पर निशान देखे जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक यह निशान पहले भी देखे जा चुके हैं। साल 2009-10 में मूर्ति के कई हिस्सों में वज्रलेप लगाया गया था। अब 13 साल बाद यानी कि 2023 में फिर से वही हालात बनते जा रहे हैं। साल 2008 में भी केमिकल व पत्थरों से प्रतिमा पर चूर्ण लगाया गया था। वहीं साल 2005 में एक मुख को दुरुस्त करना पड़ा था। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के मुख पर निशान बढ़ने की बड़ी वजह प्रतिमा पर चढ़ाया जाने वाला जल भी बताया जा रहा है। हालांकि कुछ सालों पहले श्रद्धालुओं के द्वारा प्रतिमा पर चढ़ाए जाने वाले जल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, साथ ही गर्भगृह में रेलिंग भी लगाई जा चुकी थी ताकि कोई भी व्यक्ति प्रतिमा को छू ना पाए। मुख्य पुजारी कैलाश भट्टी की माने तो भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक करने में भी सावधानी बरती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके भगवान के मुख पर पड़ने वाले निशान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शिवना नदी किनारे स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में बारिश के दिनों में साल दर साल पानी प्रवेश करता है और बाबा की प्रतिमा जलमग्न हो जाती है। इस साल भी पानी ने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा के चार मुख जलमग्न हो गए। यही वजह है कि बाबा के मुख पर पड़ने वाले निशानों में बढ़ोतरी हुई है। पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी कैलाश भट्ट ने बताया कि भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा की प्रकृति स्पष्ट है कि नीचे के चार मुख में वज्रलेप लगाने के कारण शिवना नदी का पानी गर्भगृह में आने से वज्रलेप निकलने लगता है और बाबा के मुख पर निशान पड़ने लगते हैं। श्रद्धालु भगवान पशुपतिनाथ को जल अर्पित न कर सके और न ही प्रतिमा को छू सके, इसके लिए समिति ने गर्भगृह में बड़ी रेलिंग लगाई। साथ ही पशुपतिनाथ भगवान का जलाभिषेक करने में भी कमी की गई है। मीडिया से चर्चा करते हुए पशुपतिनाथ मंदिर पर आने वाले श्रद्धालु और मंदसौर क्षेत्रवासी रविंद्र पांडे द्वारा बताया गया कि मंदिर पर जो भी निर्माण कार्य होता है उसकी गुणवत्ता बेहतर नहीं होती, करोड़ रुपए लगने के बाद भी। इसी के साथ मंदसौर वार्ड क्रमांक 26 स्थित विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा का फिर होने लगा शरण, जिम्मेदार बेखबर। मंदसौर में विराजित विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा का क्षरण जो है चिंता का विषय है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हर बार लेप करवाते और भी कई इन्होंने ऐसी चीज़ें करवाई कि जिससे पर इतना पैसा खर्च के बाद करने के बाद भी क्षरण रुक नहीं रहा है, तो इनको एक अच्छे कारीगर को मिस्त्री के द्वारा वह इस चीज़ को ठीक करवाना चाहिए, क्योंकि ये विश्व की अद्वितीय प्रतिमा है और ये क्षरण होना ठीक नहीं है। बहुत दुख का विषय है कि पशुपतिनाथ मंदिर में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और गुणवत्ता बहुत ही निम्न स्तर की है, बहुत घटिया स्तर की। हम देखते हैं जो मार्बल लगा है वो लोग उसको छत पे भी नहीं लगाना पसंद करते, इतना घटिया, और जगह जगह उसमें गड्ढे हो गए, वो बैठ चुका है। पास में एक जैन मंदिर बन रहा है, वहाँ लागत इनसे भी बहुत कम है, पर वो गुणवत्ता में श्रेष्ठ है और हमारा यह मंदिर विश्वपति पशुपतिनाथ जी का मंदिर जो है यहाँ निर्माण कार्य की गुणवत्ता बहुत हल्के स्तर की है, घटिया स्तर की है, और इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी श्रेष्ठ गुणवत्ता का कार्य नहीं होता, तो यह हम सबके लिए बहुत दुख का विषय है।